हाल ही में प्रस्तावित की गई किस पॉलिसी में पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वालों को कई तरह की टैक्स छूट और इंसेंटिव का प्रस्ताव दिया गया है। ऑप्शन नंबर एक, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। दो, स्क्रैपिंग पॉलिसी। तीन, डिस्क्राइब पॉलिसी। चार, मेस्ट्रो पॉलिसी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लोकसभा में प्रस्तावित की गई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वालों को कई तरह की टैक्स छूट और इंसेंटिव का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही इस पॉलिसी में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए कई प्रोविजन दिए गए हैं। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों का नाम शामिल हुआ है? ऑप्शन नंबर एक, 5 शहरों। दो, 6 शहरों। तीन, 7 शहरों। चार, 9 शहरों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, 9 शहरों। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 9 शहरों का नाम शामिल हुआ है। हाल ही में IQAI के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 29 शहरों में 22 भारत के हैं, जहां वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है। भारत में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर एक, गंगा नदी। दो, यमुना नदी। तीन, कावेरी नदी। चार, चिनाब नदी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, चिनाब नदी। भारत में कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। यह ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा, 1315 मीटर लंबे। इस ब्रिज की लागत 1250 करोड़ रुपए आई है। यह ब्रिज 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार वाली हवाओं को भी सहन कर सकता है। निम्न में से कौन हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाला सबसे युवा भारतीय बन गया है? ऑप्शन नंबर एक, संजय कुमार। दो, प्रण्या हारे। तीन, श्रीकांत किन्बी। चार, बी साई प्रणीत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, प्रण्या हारे। 19 वर्ष के प्रण्या हारे हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। वे टूर्नामेंट के अंतिम आठ में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। स्ट्रेटेजी एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष कौन सा मोबाइल ब्रांड तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन विक्रेता बन जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, वन। दो, विवो। तीन, शाओमी। चार, सैमसंग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, शाओमी। स्ट्रेटेजी एनालिटिक्स के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष शाओमी मोबाइल ब्रांड तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन विक्रेता बन जाएगा। वह हुवे को पीछे छोड़ देगा, जबकि सैमसंग पहले स्थान पर ही रहेगा। इनमें से किस राज्य सरकार ने ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीप कथॉन के पौधों को लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर एक, राजस्थान सरकार। दो, कश्मीर सरकार। तीन, केरल सरकार। चार, हिमाचल प्रदेश सरकार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में झाड़ी जैसे नारंगी पीले रंग की खाने योग्य बेरों का उत्पादन करने वाले सीप कथॉन के पौधों को लगाने की घोषणा की है। यह पौधा हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है, जो कि मिट्टी के क्षरण को रोकने में सहायक होता है। संसदीय समिति ने हाल ही में सरकार से किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने के लिए सिफारिश की है? ऑप्शन नंबर एक, 14 वर्ष। दो, 15 वर्ष। तीन, 16 वर्ष। चार, 17 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, 16 वर्ष। संसदीय समिति ने हाल ही में सरकार से किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने के लिए सिफारिश की है। हाल ही में इस मामले में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने राज्यसभा में रिपोर्ट सौंपी है। 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की कितने मीटर दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन नंबर एक, 50 मीटर। दो, 100 मीटर। तीन, 150 मीटर। चार, 200 मीटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, 100 मीटर। पंजाब के पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता है। सरकार ने किस शहर में एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर एक, मनाली। दो, शिमला। तीन, गुलमर्ग। चार, श्रीनगर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, गुलमर्ग। युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि सरकार जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करेगी। सरकार ने विभिन्न खेलों में कश्मीरी युवाओं को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। हाल ही में सरकार ने 26 फरवरी से 2 मार्च तक गुलमर्ग में दूसरा खेल इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया है। किसने पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन नंबर एक, प्रदीप कुमार सिन्हा। दो, प्रमोद कुमार मिश्रा। तीन, नृपेंद्र मिश्रा। चार, राजीव गौबा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, प्रदीप कुमार सिन्हा।
प्रदीप कुमार सिन्हा ने निजी कारणों से पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें सितंबर 2019 में नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।